Bonjour mon ami, comment ça va? कुछ नहीं समझ आया, but अब आपको समझ आने लगेगा because we understand कि आपके लिए French learn करना कितना important है. तो guys, आपके लिए है एक बहुत ही important और एक good news के your bright future, the IELTS Institute in Moga, चक्की वाली गली, very near to bus stand, अब से offer कर रहा है free French classes. आप हमें ज्वाइन करेंगे IELTS के लिए, लेकिन IELTS के साथ साथ हम आपको देंगे फ्री फ्रेंच क्लासेस. बेसिक ऑफ फ्रेंच लर्न करना आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए फ्रेंच लर्न करना क्यों ज़रूरी है. और इसी चीज़ को समझते हुए हमने आपके लिए क्लासेस इंट्रोड्यूस की हैं. तो वेट मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए योर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट YBF IELTS इंस्टीट्यूट इन मोगा एंड स्टार्ट लर्निंग IELTS एज वेल एज फ्रेंच विद अस. आई नो कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो IELTS की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो डिज़ायर रखते हैं टू मूव टू कैनेडा फॉर देयर हायर स्टडी, या आप में से ऐसे भी बहुत हैं जो परमानेंटली कैनेडा मूव करना चाहते हैं. एंड आई होप गाइज ये चीज़ आपको डेफिनेटली पता है कि फ्रेंच कैनेडा की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वहाँ पर कई सारे प्रोविंसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ये फर्स्ट लैंग्वेज है. वाइल इन कैनेडा यू विल सी द यूजेज ऑफ फ्रेंच एवरीवेयर. वहाँ पर डायरेक्शंस के लिए, रोड साइंस के लिए, रेलवे स्टेशंस पर, शॉप्स पर, और इवन वहाँ पर रेस्टोरेंट में मील्स के लिए जो आपको आलाकार्ड मतलब मेन्यू मिलता है, वहाँ पर भी फ्रेंच का यूजेज होता है. एंड आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू टू लर्न बिफोर एक्चुअली यू मूव टू कैनेडा. आप सभी स्टूडेंट जो भी IELTS की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही आपका IELTS एग्जाम क्लियर होता है, जब तक आपके पास टाइम है बिफोर यू एक्चुअली फ्लाई, माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ के आप फ्रेंच लर्निंग में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए. आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे YouTube ट्यूटोरियल्स को, या कोई ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अभी योर ब्राइट फ्यूचर भी ऑफर कर रहा है, तो आप यहाँ पर भी अपनी फ्रेंच क्लासेस ले सकते हैं. सी द फैक्ट इज़ दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक तो आप अपनी जो फ्री टाइम है उसको बेटर यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि फ्री रहना आप जैसे यंगस्टर्स के लिए नहीं है, बहुत बोर्ड फील करते हो. अगर कुछ प्रोडक्टिव आप अपने इस फ्री टाइम में करोगे तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी. इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर हर जगह पर यूज़ होता है, जैसे डायरेक्शंस के लिए, रोड साइंस के ऊपर, तो बेसिक वर्ड्स जब आप फ्रेंच के सीख जाओगे तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली. अभी एक और बात, बहुत सारे वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में फ्रेंच स्पीकर्स को प्रायोरिटी मिलती है. चाहे आप फ्लुएंटली ना भी बोल पाओ, आप थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंड कर लेते हो या बेसिक कॉन्वर्सेशन आप मैनेज कर सकते हो फ्रेंच में, तो आई बेट आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होने वाले हैं वहाँ पर जो दूसरों के पास नहीं होंगे जिनको बेसिक फ्रेंच नहीं आती. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इट विल हेल्प यू इन योर परमानेंट रेजिडेंसी. जो भी स्टूडेंट स्टडी कंप्लीट करते हैं उनको फाइनली अपनी PR अप्लाई करनी होती है, और PR अप्लाई करने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो वहाँ की एम्बेसी आपको बताएगी उस टाइम पे जो होंगे वो आपको पूरे करने होंगे, और उसमें आपको फ्रेंच डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं. डिपेंडिंग के किस लेवल तक आपको फ्रेंच आती है, जैसे IELTS के बैंड्स के अकॉर्डिंगली आपका स्कोर होता है, वैसे ही आपको फ्रेंच की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी पॉइंट्स मिलते हैं जो आपकी PR में हेल्प करेंगे. नाउ आई होप यू हैव रियलाइज के फ्रेंच आपके लिए लर्न करनी कितनी इम्पॉर्टेंट है. थोड़ा थोड़ा चाहे मज़े के लिए ही करना शुरू कीजिए. आई मस्ट से कि प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए. एक बार दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा, योर ब्राइट फ्यूचर IELTS इंस्टीट्यूट मोगा, जो अभी तक आपको IELTS प्रेपरेशन में हेल्प कर रहा था, और अब आपको वो ऑफर करेगा फ्रेंच क्लासेस भी, और वो रहेंगी बिल्कुल फ्री. लेकिन वो फ्री क्लासेस रहेंगे हमारे ही स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी IELTS कर रहे हैं,
और अगर आपने योर ब्राइट फ्यूचर ज्वाइन करने का प्लान बनाया है फॉर योर आइल्स प्रेपरेशन, इट इज अ वंडरफुल न्यूज फॉर यू, क्योंकि ये होने वाला है सोने पे सुहागा, क्योंकि अब आइल्स के साथ साथ आपको मिलेंगी यहाँ पर फ्री फ्रेंच क्लासेस भी। और मैं रमनदीप सिंह अभी लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग आइल्स के रिलेटेड लेके।